अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ इंजीनियर अहमद मक्की। होपफुली यू आर ऑल गुड। इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर विजिटिंग माय चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, हम नल वेक्टर के बारे में देखेंगे कि नल वेक्टर क्या चीज़ होती हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या चीज़ होती हैं, और उसके बाद हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखेंगे हमारे पास के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर के कौन कौन से हैं। आपको याद होगा 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था फोर्सेस के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। लेकिन यहाँ आप करोगे सारे वेक्टर्स के साथ। सबसे पहले मैं आप स्टार्ट करता हूँ नल वेक्टर के। सब जब मैंने आपको वेक्टर का हिसाब देता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल एक वेक्टर की बात करता हूँ, वेक्टर के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं हमारे पास? हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक होती है उसकी मैग्नीट्यूड, एक होती है उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो होती है वो सिंपलेस्ट उसकी फॉर्म में लिखी जाती है, और डायरेक्शन किन फॉर्म में लिखी जाती है? मैंने आपको कल बताया था किलोमीटर। डायरेक्शन को लिखने के लिए आई जे और के हम यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं। उसके साथ जो हम अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर लिखना चाह रहा हूँ एक डिफरेंट तरीके से, फॉर एग्जांपल हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ए लिख के ऊपर हेड लिख दिया। लेकिन मैं वेक्टर को लिखने के मेरे पास दो तरीके हैं, बोल्ड यानी कि देखो ना, नहीं दो वो रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा, ये मेरे पास एक वेक्टर है। वेक्टर के अंदर दो चीज़ें कौन कौन सी है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैं इसको लिख सकता हूँ ए खाली, ये खाली ए वेक्टर के बगैर उसकी क्या होगी? मैग्नीट्यूड। अगर आई जे के डिपेंड करता है वो किस तरफ है, किस एंगल पे है, 90 पे है तो क्या होगा, आई जे वाई एक्सिस पे है तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ आई आयोटा है, आई हैड। अब ये जो ए है ये क्या है मेरे पास? मैग्नीट्यूड है, ऐसे ही है। और ये आई हैड क्या है? डायरेक्शन है। ये से हम कहीं और निकल गए हैं, लेकिन बताने का मकसद आपका डिवाइस कंसेप्ट हो जाएगा कि वेक्टर क्या चीज़ होती है। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं मूव करवाऊंगा कि आई के साथ हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये समझ आ रही है ये पॉइंट कि हमारे पास आई हैड कैसे आया, ए के साथ कैसे लगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। और वो जो हमने फार्मूला पढ़ा था कि सॉरी यूनिट वेक्टर की क्या, अब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मैं मैग्नीट्यूड नीचे ले आऊँ तो वही फार्मूला बन जाएगा। बेसिकली आपको समझाने का मकसद दोनों तरीकों से समझा दिया है, कान को इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, एक ही बात है। अब हम आते हैं नल वेक्टर्स। नल वेक्टर जो होता है ना, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? जीरो। जीरो होती है। नल की जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होगी। मैग्नीट्यूड जीरो से क्या मुराद है? उसकी जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन उसके कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, लेकिन वो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी। ठीक है, आर्बिट्रेरी कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, रैंडम डायरेक्शन को आर्बिट्रेरी कहते हैं, या फिर हमारे पास जो डिफरेंट कंसिक्वेंसेज बनते हैं उसके हिसाब से। अब नल वेक्टर की समझ आ गई आपको, यानी कि नल वेक्टर हमारे पास आएगा कैसे कि अगर हम एक वेक्टर के अंदर एक सेम वेक्टर ऐड करें लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के साथ, मतलब माइनस ए का क्या मतलब है? वही वेक्टर ऐड करूं विद नेगेटिव, नेगेटिव ए का क्या मतलब है? ये नहीं है कि ए माइनस ए तो कट गया है, वेक्टर जैसे कटते नहीं है। एक मेरे पास अगर ये डायरेक्शन है, मतलब ए की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अब जस्ट जितना ये हमारे पास ए था उतना ही बिल्कुल ये होगा रिवर्स, ये ए हमारे पास ये आ गया, ये क्या आ गया? माइनस ए आ गया। तो ये दोनों ने क्या कर दिया? आपस में कैंसिल कर दिया। तो ये हमारे पास कौन सा वेक्टर बन गया? नल वेक्टर। तो होपफुली नल वेक्टर की आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वेक्टर की तरफ, इक्वल वेक्टर्स। नाम से ही जाहिर है कि इक्वल वेक्टर के अंदर हमारे पास क्या होगा? बराबरी। इक्वल वेक्टर, लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, इसकी मैग्नीट्यूड मैं कहता हूँ 5 है, 5 मैग्नीट्यूड है इसकी, और डायरेक्शन ये किस एक्सिस पे है? आई एक्सिस पे है। तो यहाँ मैं नजर ही आ रहा है आई लिख देता हूँ, ये हमारे पास एक वेक्टर है। लेट सपोज मेरे पास एक और वेक्टर है, ये मेरे पास है इसका 7 जे है। जे का क्या मतलब है? किस डायरेक्शन में है ये? ये वाई एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये बेशक सॉरी मैंने वैसे गलत बना दिया, उसको ऐसे बनाना चाहिए था। और मेरे पास एक और है 5 आयोटा। इन तीनों में से कौन से दो इक्वल वेक्टर्स हैं? 5 आयोटा। जस्ट दो नंबर सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि 5 के अब कौन से सेम है? वो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी ये दोनों चीज़ें सेम हो, वो हमारे पास इक्वल वेक्टर होंगे। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड अगर सेम है कोई मसला नहीं है, लेकिन वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है ना, इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या कंडीशन है? क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये हमारे पास बेसिकली इक्वल वेक्टर्स का रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर है वो सेम होगा।
ये यूनिट वेक्टर बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। वेक्टर के अंदर मैं जब भी बात कर रहा हूँ दो चीजों की बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर में जब भी आपके अपने जो चैप्टर है ना, बेसिकली जब मैं एक वेक्टर का लफ्ज़ लूँगा ना, मैं मुझे बार बार कहने की जरूरत ना हो, आप क्या हो, वेक्टर लफ्ज़ बोले आपके दिमाग में दो चीज़ें आ गई हों कि वेक्टर बोले तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। अब मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल उसकी कोई वैल्यू है 5, वो आ गई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ गई है, ठीक है। अब डायरेक्शन का कहीं भी हो सकती है, हमने 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है, वाई एक्सिस पे भी हो सकती है, जेड एक्सिस पे भी हो सकती है, इट कैन बी एनीवेयर। तो इक्वल वेक्टर भी आपको होपफुली समझ आ गई है। देन अब हम चलते हैं एक शॉर्ट लॉन्ग की तरफ, ये लॉन्ग बेसिकली बन सकता है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले मैं एक डायरेक्शन बनाता हूँ। आपने ये डायग्राम से जो है ना, डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से समझनी है कि हमारे पास क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सिस है ये, ठीक है, एक्स एक्सिस है, एक है हमारे पास वाई एक्सिस है। अब उसने क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए, एक ओ दिया हुआ है। अब यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट गया है पी, ऐसे ही है। अब पी से हमारे पास एक उसने क्या किया, ये हमारे पास बेसिकली मेन पॉइंट्स हैं, ओके। अब वो क्या कहता है, हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारे पास फिगर है। ओ पी जो है हमारे पास एक पॉइंट है, फिगर किया हमने। अब ओ पी के साथ हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। प्रोजेक्शन का मालूम है ना क्या चीज़ होती है, हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, उसका साया, प्रोजेक्शन बेसिकली साया को कहते हैं। हम यहाँ एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। नाउ अब क्या करेंगे, हम दोबारा प्रोजेक्शन करेंगे किस पे, वाई एक्सिस के ऊपर करेंगे। यहाँ हम फॉर एग्जाम्पल नाम दे देते हैं, यहाँ इसको दे देते हैं एन, ये हमारे पास है, यहाँ कोई एंगल बनेगा हमारे पास, इसको कहते हैं थीटा। अब चूंकि ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है जी, हाँ यहाँ भी, हाँ कहीं भी बन सकते हैं एंगल, बताने का मकसद है कि एंगल। फॉर एग्जाम्पल ना देखो यहाँ से हम किस एक्सिस के साथ दे रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ ले रहे हैं ना, ये तो दो एक्सिस हैं। एंगल क्या होता है हमारे पास, दो, एक इनिशियल टर्मिनल होता है, एक फाइनल टर्मिनल होता है, मैथ के अंदर पढ़ा है आप लोगों ने। अब ये बेसिकली एक एंगल बन रहा है हमारे पास, हमने बेसिकली इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये हमारे पास है, इसी से हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ की, इसी से प्रोजेक्शन ड्रॉ की है ना, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वेक्टर है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है इसका, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ए आई हैट एक्स एक्सिस के ऊपर ना, ये देखो ये तो हमारे पास मिड में है। अब इसका प्रोजेक्शन हमने चूंकि ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस के ऊपर किया है, ये ए है, ये क्या, मैंने इसके ऊपर हैट नहीं डाली है, मतलब सॉरी इसके ऊपर एरो नहीं डाला, एरो ना डालने का क्या मतलब है, क्या चीज़ है, नहीं नहीं मैग्नीट्यूड है हमारे पास, और आई हैट क्या है, वो डायरेक्शन है, वो बता रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या होगा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर थ्योरम की बात करते हैं तो हमारे पास ओ एन जो है वो क्या इक्वल है एन पी के, ऐसे ही है ना, ओ एम बिल्कुल ऐसे ही है, ओ एम इज इक्वल है एन पी के। अगर इसी तरह बात की जाए ए जे इक्वल है, सॉरी ओ एन इक्वल है एन पी के, ये भी ऐसे ही है, यानी कि हमारे पास ओ एन की किसके इक्वल है, एन पी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एम पी, ठीक है, यार गौर से देखो एम ही लिखा हुआ है। अच्छा ये देखो, अब ये मेरे पास क्या है, ओ एम है, यस, एन पी दोनों इक्वल हो गए, ओ एन और एम पी ये दो इक्वल हो गए। अब चूंकि ये ओ एन भी इक्वल है तो ए जे भी इसके इक्वल होगा, यस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए जे भी इधर, क्योंकि उससे इक्वल है ना। अब एक बात बताओ मुझे, क्या इसके ऊपर हम हेड टू टेल रूल की कंडीशन लगा सकते हैं, अब क्योंकि मैंने इसको भी इसके इक्वल कर दिया, हमारा पहला वेक्टर क्या आ गया ये, सेकंड वेक्टर आ गया ये, और ये उसका क्या आ गया रिजल्टेंट आ गया, ये समझ गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये ओ एम क्या है हमारे पास, एक वेक्टर है ए आई हैट, देन हमारे पास एम पी जो यहाँ वाला वेक्टर था एरो के साथ, उसको ले आए हम इधर, एम पी बन गया हमारे पास ए जे, ए आई और ए जे बन गया, जो कि इक्वल आ रहे हैं ए हैट के।
ऐसे ही आ गई समझ रिजल्टेंट की, हमारे पास रिजल्टेंट है, इन शॉर्ट रिजल्टेंट यूज करता हूँ मैं। अब मुझे कोई लिखवाएगा हेड टू टेल रूल के जरिए में हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले रिजल्टेंट लिखते हैं, रिजल्टेंट क्या है यहां पे बनेगा, ए एरो इज इक्वल टू किसके, ए आई हैड प्लस ए जे हैड। ये हमारे पास बन गया एक फॉर्म रिजल्टेंट, ए जो है हमारी रिजल्टेंट बन गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब हमारे पास जो ए आई हैड है और ए जे हैड है, एक और चीज मैं लिखना भूल गया हूँ कि जो कि हमारे पास AI है लिख सकते हैं लेकिन उसको हम यूज नहीं कर रहे तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं, लिख लो यहाँ पे आप अगर आपने आपने कंसेप्ट करने जरा। अब ये जो है मेरे पास AI है, ये कौन से एक्सिस पे था मेरे पास, एक्स पे था और ये वाला y पे था। अब हमने ये मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करनी है, कल क्वेश्चन कर रहा था जुनेद सर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। अब हम पहले स्टेप की तरफ जा रहे हैं, नॉट ऑल स्टेप्स जस्ट फर्स्ट स्टेप। ए एक्स जो है, ए एक्स इज इक्वल टू, जैसे हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा किया था, यहाँ ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आएगा। व्हाट इज थीटा, एंगल, थीटा एंगल, विच एंगल, द एंगल बिटवीन द दीज टू एंगल्स, ठीक है, ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा। अगर वाई की बात की जाए, अहमद आप मुझे ये बताओ कि जो हमारे पास ए एक्स आई क्यों नहीं लिखा, आई हेड क्यों नहीं लिखा और ए वाई मैंने यहाँ जे हेड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्शन तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि हमारे पास डायरेक्शन क्या है। अब जो अगर हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी वो कैसे फाइंड करेंगे वो हम कल देखेंगे। ये बेसिकली हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने वेक्टर को डिवाइड करना था कि कैसे किन स्टेप के जरिए करना था, और कल जो हमारा बेसिकली टॉपिक होगा वो डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर होगा कि हम डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर हम टोटल रेक्टेंगुलर फोर्स फाइंड करेंगे, मतलब टोटल फाइंड करेंगे, और देन हम उसके अंदर ये एंगल कैसे फाइंड करते हैं ये फाइंड करेंगे, मतलब ये वेक्टर जो है हमारे पास इसको कैसे फाइंड करेंगे और ये जो एंगल है इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये दो चीज़ें हम कल देखेंगे। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। The end, if you want me to ask something about this tutorial or lecture, you can ask me in the comment section. And hey, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Allah Hafiz.